सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। आपने जैसे देखा हो कि आपके घर घर पर कचरा संग्रहण वाहन आता है, सभी के यहाँ आता है, इसलिए आता है, वो कचरा लेने आता है, लेने आता है ना कचरा, कौन सा दो प्रकार का कचरा लेने आता है, गीला सूखा आपको पता है, गीला क्या होता है, जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जी भाजी कतरन, फल फ्रूट की कतरन निकलती है ना, गोबर फूल पत्तियां इत्यादि, ये सब गीला कचरा होता है। सूखा कचरा क्या होता है, सूखा कचरा वो होता है प्लास्टिक पॉलिथीन कागज कपड़े कपड़े वगैरह, ये सब सूखा कचरा होता है। अगर ये पानी के द्वारा गीला भी हो जाए तो भी इसको सूखे में डालना। कितने डस्टबिन का उपयोग करते हैं आप सभी लोग, कौन कौन से डस्टबिन का उपयोग करते हैं, कौन कौन सा, ये तो कचरा हुआ, मैं डस्टबिन का बोल रहा हूँ, कौन से दो प्रकार के कचरा हुआ है, नीला और हरा है ना, हरा डस्टबिन किस लिए होता है, गीले कचरे के लिए, और नीला डस्टबिन दो डस्टबिन का उपयोग करते हैं ना। जैसे आपके यहाँ पे डोर टू डोर कचरा वाहन आता है, इसके लिए अगर आप नहीं आता तो उस दिन क्या करेंगे, आप कचरे को क्या करेंगे, सहेज के रख देंगे। अच्छा चलो एक दिन रख लिया आपने, फिर क्या करोगे, नहीं आई फिर भी गाड़ी, फिर क्या करोगे, दो दिन रख लिया फिर क्या करोगे, नाले में फेंकोगे, ये भाई साहब बोले नाले में फेंकोगे, भैया ऐसा फिर वही कर लिया हो गई है, जो हमको नहीं करना है मैं समझाने आया हूँ, आप उल्टा बता रहे हो, नाले में फेंकना है। तो पब्लिक की थिंकिंग यही होती है कि अगर आप कचरा दो दिन घर में रख लेंगे तो वो सड़ेगा, बदबू मारेगा और आप परेशान हो जाओगे, है ना, होते हो ना परेशान, कतरी होती है, मच्छर मक्खी होते हैं, है ना, बीमार पड़ते हो। पहले जो कचरा आपका पड़ोसी से पड़ोसी झगड़ा करता था कि इसके यहाँ फेंक दिया उसके यहाँ फेंक दिया करता था ना झगड़ा, और बीमारियों से हमके हमारे घर के कई लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे उस कचरे से, वो तो होते थे ना, सालाना मतलब एक परिवार में 50,000 रुपया बीमारियों में खर्चा हो जाता था। अब उसकी बचत करने के लिए हम दो डस्टबिन भी ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं ना, 20-30 रुपए खर्चा करके अगर हम सालाना 50,000 रुपए की बचत करते हैं तो दो डस्टबिन बुरी बात तो नहीं है। तो फिर भी पब्लिक क्यों नहीं सुधरती है, इंदौर तो काफी सुधर सका है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ पब्लिक ऐसी हैं जो अभी पॉलिथीन का उपयोग कर रहे हैं ना, पॉलिथीन का उपयोग। अब पॉलिथीन का उपयोग क्यों कर रहे हैं, पॉलिथीन तो बैन हो रहा है 2 अक्टूबर को पूरे भारत में बैन हो रहा है। आपको क्या जानकारी है, पूरे भारत में एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में प्रतिदिन 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट निकलता है, कितना टन, और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, 15,000 टन, मतलब पूरे विश्व में मान के चले आप, पूरे विश्व में इतना प्लास्टिक उत्पादित हो चुका है कि पूरी पृथ्वी को 5 बार लपेटा जा सकता है, कितनी बार सोचो जरा, और इसका अपशिष्ट 70% महासागरों में पड़ा हुआ है, और इसका कारण बनता है जो हमारे मुंबई में भी बारिश हुई ना, इसका कारण बनता है बाढ़ का, कैसे कारण बनता है, ये प्लास्टिक बह के कहाँ जाता है, जो हमारे चैनल्स बने हुए जगह जगह नालियां निकलने के लिए पानी निकलने के लिए बहाव के लिए वो रोक देते हैं बहाव प्लास्टिक, और प्लस जो हमारे जानवर होते हैं गायें या अन्य जानवर होते हैं ये उस प्लास्टिक को खाते हैं, और वो प्लास्टिक पेट में टार बन जाता है, 30-35 किलो टार और मर जाते हैं, हम गाय को माता बोलते हैं ना, तो फिर ये बुरा काम है कि नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें या ना करें, प्रतिबंधित हो चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक, समझते हैं आप लोग, मतलब जिस प्लास्टिक को हम एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं उस प्लास्टिक को कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, समझे आप, है ना, उस प्लास्टिक का उपयोग ना करें। जब भी हम मार्केट में जाएं तो कपड़े का थैला लेके जाएं, मार्केट में निकले ना कपड़े का थैला लेके, हम जैसे हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया प्लास्टिक, कैसे बन गया है, बच्चा शुरुआत से वो दूध का पौनी आता है वो प्लास्टिक का, ब्रश आता है वो प्लास्टिक का, आज हमारे जीवन में 100% प्लास्टिक उपयोग में आता है ना। तो इसलिए जो नगरपालिका निगम ने और भारत सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उस पर प्रतिबंध लगाया है, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, नहीं करेंगे ना, इसके बाद हम स्वच्छता की शपथ भी लेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए शपथ भी लेंगे, प्रतिबंधित हो चुकी है ना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी मार्केट में जाए कपड़े की थैली लेके जाए, कपड़े की जो जूट की बनी हो या कागज की बनी हो उसका उपयोग करें, इसके बाद में जहाँ हम जैसे खाना लेके जाते हैं जैसे वाटर बॉटल लेके आते हैं
वाटर बॉटल जब तक हम उपयोग में ला सकते हैं, सही आपको पता है वाटर बॉटल बार बार उपयोग करने से कैंसर का कारण बन जाते हैं और कम कैंसर ग्रसित हो जाते हैं, पता है आपको जानकारी है, टीचर्स ने दी होगी, पब्लिक ने, टीचर ने दी होगी ना आप सभी को। यदि वाटर बॉटल का आप ज्यादातर अधिकतम उपयोग करोगे तो वाटर बॉटल में जो पानी आप बार बार पीते हो ना उससे कैंसर का कारण बनती है। इससे वाटर बॉटल का जहां तक उपयोग हो जब तक वो खराब नहीं हो जाती, खराब का मतलब इतनी भी खराब नहीं जो कम वो, ये जो प्लास्टिक होता है ये 500 साल से 1000 साल की प्रक्रिया तक में भी खत्म नहीं होता। यदि हम किसी मिट्टी में इसको दबा देते हैं तो मिट्टी का ये क्षरण कर देती है, मतलब मिट्टी के जो पोषक तत्व है खत्म कर देती है ना, तो वहाँ वो बंजर जमीन हो जाती है। बंजर जमीन पे आप अगर पौधे उगाएंगे तो उगेंगे क्या? नहीं उगेंगे ना, तो फिर प्रकृति को नुकसान है, हमें नुकसान है। और इसका सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है? हम लोग करते हैं। कौन करता है? इंसान। और इंसान अगर इनका सबसे ज्यादा उपयोग करता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा इस चीज से? इंसान ही होगा ना। तो प्लास्टिक का उपयोग आप नहीं करना है, पूर्णता बंद। आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि मैं फालतू की बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कई लोग ऐसे होंगे सोच के जाएंगे ठीक है उन्होंने एक लेक्चर दिया फालतू का, लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूँ। इन फ्यूचर आपका भविष्य, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखोगे। अगर आपने सही जो मैं बता रहा हूँ उस पर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आगे जाके ये दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो प्लास्टिक आपको खाना है, प्लास्टिक में ही जीवन बिताना है, ये बात हो जाएगी आपके लिए। और शिक्षित होने का जो सबूत देना है ना, शिक्षित अगर आप एजुकेटेड हैं तो मेरी बात मान के चलिएगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, है ना, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है। मार्केट में 200 मिलीलीटर की जो वाटर बॉटल आती है हम पीते हैं वहां तक का प्रतिबंधित है, उस प्लास्टिक का उपयोग करें जो HD और PE मानक हो, उस प्लास्टिक का उपयोग करें। HDPE मानक हो, है ना, PEHE और HDPE ये मानक प्लास्टिक होता है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, है ना, समझ रहे हैं आप, मैं कुछ समझा रहा हूँ, टीचर्स आप इसे निवेदन कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं मैं कुछ बता रहा हूँ, यस। आप थोड़ा जोर से बोलेंगे फीडबैक मुझे मिलेगा तो मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। संरक्षण पर अभी नगर पालिका निगम ने एक पहल शुरू की थी, घर घर जाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का जल होता है उसको संग्रहण करने के लिए। हम जैसे जाते हैं बारिश आती है, हम कई पाइप जो डाउन पाइप हमारे होते हैं छत का पानी सड़कों पे बाहर देते हैं ना, वो पानी कहाँ जाता है? सड़कों के द्वारा नालियों में बहता है, नालियों के द्वारा कई अन्य जगह स्थान पे चला जाता है। अरे वो पानी हमारे घर पे गिर रहा है और पानी कहीं और जा रहा है, और फिर गर्मियों में क्या करते हैं हम लोग, परेशान होते हैं, इसका बर्तन फेंका उसका बर्तन फेंका, परेशान होते हो ना पानी के लिए। तो समझदारी का उपयोग करें, समझदार बने, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसका उपयोग करना है। जिस तरह जैसे हमारा बारिश का जो पानी आता है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के हम अपने जो जमीन का जल स्तर है, हमारी जो जगह है उसको रिचार्ज करने के लिए उपयोग करना है, मतलब उसको जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करना है। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना, जो पानी आता है बारिश का, जो पानी आता है बारिश का जो पानी है उससे जो हमारी गर्मियों की समस्या है वो सब पूर्णतः खत्म हो जाएगी। अभी देखना, अभी इंदौर में लगभग 50,000 सिस्टम लगाया जा चुका है, उससे प्रॉफिट ये होगा जो नेक्स्ट ईयर, वैसे भी बारिश अधिक हो चुकी है लेकिन आने वाले समय में जो बारिश से मतलब गर्मियों में जूझते थे पानी से, वो पानी से हम नहीं जूझेंगे, समस्या से हम नहीं जूझेंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ, फीडबैक दें प्लीज। अच्छा प्रकृति के दुश्मन कितने होते हैं? एक तो इंसान सबसे बड़ा है ना, प्रकृति का दुश्मन है, और तीन कौन सा, पाउस बंदी और पॉलिथीन। तो प्रकृति का दुश्मन थी, आवाज नहीं आ रही, प्रकृति का दुश्मन थी, वेरी गुड, है ना। अब ये समझ के रख लेना, पाउस बंदी पॉलिथीन ये प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक प्रकृति का दुश्मन है। ये जल संवर्धन का जो मैंने आपको बताया रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्लस जीरो वेस्ट के लिए एक प्रक्रिया और समझ लीजिएगा, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। जीरो वेस्ट के लिए आपका घर पे जो दो डस्टबिन निकलता है ना, कचरा गीला और सूखा अलग अलग, उसको अगर आप घड़ी में दोहन कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। सूखा कचरा एक घर से 16 प्रकार का निकलता है, 16 प्रकार का अलग अलग, ठीक है। अब इसका कचरे का हम करते क्या है, ये कचरा आपके यहाँ से एकत्रित होके जाता है
ट्रिंचिंग ग्राउंड में, और ट्रिंचिंग ग्राउंड में गीले कचरे का हम लोग खाद बनाते हैं। खाद से हम जो हमारे किसान भाई हैं या वन विभाग है या फिर अन्य नगर पालिका निगम के जो गार्डन बने हुए हैं उनमें हम वो खादों का उपयोग करते हैं। किसान भाइयों को 50-50 किलो की बोरी 2 से 3 रुपए किलो के प्रति भाव से हम उनको सेल आउट कर देते हैं। आप ही के कचरे से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। और जो सूखा कचरा आता है उसमें सूखे कचरे में जो रिसाइकेबल प्लास्टिक होता है उसका हम निकाल लेते हैं, बाकी को हम बिजली उत्पादन में या फिर उसका दोहन कर देते हैं, है ना, समझ रहे हैं। अब ये प्लास्टिक आता है आपका घर से, जो हम प्लास्टिक लेते हैं, जो सड़कें आप देखते हैं सीमेंट कंक्रीट की बनी होती है, सड़कों के नीचे ब्लैक पॉलिथीन लगती है बड़ा सा छोटा सा, है ना, वो उसके उपयोग में लेते हैं, उसके उपयोग में लेते हैं। और 50 माइक्रोकोन से जो नीचे का प्लास्टिक होता है उसका उपयोग करना ही नहीं है आपको, आप पूछिएगा। और आपसे मैं निवेदन है, लास्टली मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कहीं पर भी जाएं, इंदौर या इंदौर से बाहर कहीं पर भी जाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना करें, समझदारी का परिचय दें। इंदौर रहवासी हो आप और इंदौर 3 बार नंबर 1 आ चुका है, 4थी बार भी नंबर 1 आप ही को लोगों को बनाना है, और आपके सहयोग से, निगम के सहयोग से ये नंबर 1 होगा। और मैं आपसे टीचर से निवेदन करता हूँ, प्लीज 2 शब्द आगे आ गए बच्चों के लिए स्वच्छता के विषय में। कोई समझना ही पड़ेगा।
अगर आप आज सोच लेंगे कि मुझे ये करना है, पर्यावरण प्रदूषण के विषय में मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो आप एक अच्छा कुछ ना कुछ कर सकते हो। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, एक स्वच्छता की हमें शपथ लेनी है, प्लास्टिक मुक्त के लिए शपथ लेनी है, तो सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं प्लीज। आप स्कूल में हैं प्लीज लाइन में आवाज में जाए, अच्छे स्टूडेंट का अपना दाहिना हाथ, सभी जहां तक मेरी आवाज जा रही है अपना दाहिना हाथ आगे लेंगे। तो मैं जो बोलता हूँ उसको रिपीट करना है आपको। पहले चुप हो जाइए, टीचर से भी निवेदन करता हूँ आप अपना दाहिना हाथ आगे लाएं शपथ के लिए। पहले चुप हो जाइए प्लीज, मैं जो बोलूंगा आपको रिपीट करना है। मैं स्वच्छता ग्राही ये शपथ लेता हूँ कि मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। ये मेरा स्वच्छ भारत अभियान में योगदान होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी अपने स्थान ग्रहण कर लें।